जय माता दी। मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईयरली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट 2024। मकर लग्न के जातकों के लिए वर्ष 2024 का वार्षिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर लगन है जो कि एक चर लगन है और पृथ्वी तत्व के लगन है। विशेषतः इस लगन के जातक अथवा जातिका है चर लगन होने के कारण अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं, हमेशा अपने आप को स्वयं को जांचते हैं और फिर उसके बाद अपने आप में अपने व्यवहार में अपने स्वभाव को बदल लेते हैं या जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। कर्मठ प्रवृत्ति के होते हैं और पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण दृढ़ता संकल्प शक्ति काफ़ी अधिक होती है, शनिदेव से प्रभावित होते हैं। विशेषतः हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा काम की बातें करना या काम से संबंधित ज़्यादा ध्यान रखना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है और अपनी कर्म शक्ति के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करने वाले होते हैं। विशेषतः लॉजिकल होते हैं, लॉजिक बहुत अच्छा ये लगाने वाले होते हैं, ये भी प्रभाव इनमें सबसे ज्यादा देखा जाता है। अब देखिए यहां पर 2024 के अंतर्गत पूरे वर्ष लगन का मालिक जो कि शनिदेव बनते हैं मूल त्रिकोण राशि में द्वितीय भाव में ही गोचर करेंगे। विशेषतः आपका ध्यान अपने परिवार की तरफ रहेगा, परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए दिखाई देंगे। परिवार की जिम्मेदारियां आएंगी भी कैसे यहां पर ज्यादा कह सकते हैं, ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। थोड़ा परिवार को लेकर चिंतित भी कह सकते हैं और उनकी जिम्मेदारी लेते हुए आप दिखाई देंगे, ये स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही अब आपका जो ध्यान जा रहा है वो धन संचय की तरफ ज्यादा जा रहा है कि आपका मेन कर्म है कि धन को संचित करना किसी प्रकार से, चाहे वो लंबे मेनली यहाँ पर जो आप धन को संचित करेंगे वो लंबे समय के लिए आपके लिए प्रयास करते हैं कि कोई फिक्स डिपॉजिट FD वगैरह कराकर आप धन को संचित कर लें, ये भी एक स्थिति। और हो सकता है वो आप अपने बच्चे के नाम पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्टोर अपने मनी को स्टोरेज जो आप चाहते हैं वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को लेकर संतान को लेकर आप करने वाले हैं, वो एक स्थिति हो सकती है। उसके नाम पर करने वाले हैं वो एक स्थिति यहाँ पर हो सकती है। साथ ही इस समय के अंतर्गत अपनी वाणी पर क्योंकि शनि का प्रभाव रहेगा तो थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेवियर की तरह आप कुछ भी स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं, अप्रिय सत्य बोल सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर इससे भी रहना है। कहीं ना कहीं संबंधों में इस व्यवहार से थोड़ा समस्याएं बन सकती है। विशेषतः भोजन का सात्विक भोजन करने का प्रयास करेगा क्योंकि तामसिक ग्रह वैसे तो अपने मूल त्रिकोण राशि में है, लेकिन फिर भी अगर आपका गलत खान पान हो जाता है और अगर आप अल्कोहल ज्यादा लेते हैं ये सब करते हैं तो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो विशेषतः बचे रहेगा, अन्यथा आपको स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। शनिदेव की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर भी रहेगी जो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य की हानि आपकी कराने वाली रहेगी। वात संबंधित परेशानी आपके जीवन में बढ़ सकती है तो उसका थोड़ा सा संभल कर आपको इस विषय को लेकर चलना है। वही शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर रहेगा 1 मई 2024 तक। जब तक 1 मई 2024 तक गुरु का गोचर है तब तक तो आपके लिए मन को शांति सुकून आनंद की स्थिति देने वाला रहेगा, संतोष की स्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी। विशेषतः संतोष का होना बहुत आवश्यक होता है तो ये स्थिति आपके लिए बनी रहेगी 1 मई 2024 तक। और तब वहां पर कहीं ना कहीं घर में भी सुकून शांति इस तरीके की स्थिति रहेगी क्योंकि शनिदेव की दृष्टि का इतना प्रभाव यहाँ पर तब तक नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 1 मई 2024 के बाद से गुरु का गोचर वृषभ राशि के अंतर्गत तो यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ जाएगी, तब आपके मन स्थिति को खराब करने वाले रहेंगे। साथ ही माता और घर से संबंधित आपके जीवन में थोड़ा दिक्कतें बढ़ा देंगे, शनिदेव की तीसरी दृष्टि का यहाँ पर प्रभाव पड़ जाएगा। काफी पराक्रम करके आपको वहां से प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में तब उस समय के अंतर्गत 1 मई 2024 के बाद से तब थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, उसके बाद आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए मतलब उससे पहले ये जो गुरु का प्रभाव रहेगा 1 मई 2024 तक, इस समय के अंतर्गत के लिए ये चतुर्थ भाव एक्टिवेट हो जाएगा, आपके प्रॉपर्टी से संबंधित काम हो जाएंगे, चाहे वो खरीदने का काम हो चाहे वो बेचने का काम हो, क्योंकि चतुर्थ से 12वें घर में भी पापग्रह राहु का गोचर और
चतुर से बारहवें का स्वामी और खुद व्ययिश भी गुरु बनते हैं इस चार्ट के, तो वो भी चतुर्द्वाह में कहीं ना कहीं आपको हो सकता है। घर में कुछ काम करवाना चाहते थे वो काम आप करा सकते हैं, वहां पर घर पे खर्चा होने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती है, माता पर खर्च होने की संभावना बनती है, माता से संबंधित कुछ काम थे वो भी आप कराते हुए दिखाई देंगे, भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ सोच रहे थे तो वो सब 1 मई 2024 तक ये टाइम प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चाहे वो बेचने का काम हो, खरीदने का काम हो, घर में कुछ काम करवाने का हो या भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने का बढ़ाने की स्थिति हो, वो सब जनवरी से लेकर 1 मई 2024 तक के समय काफी अच्छा फेवरेबल टाइम आपका रहेगा, शांति सुकून आपका रहेगा। इसके साथ हम देखें शनिदेव की सीधी दृष्टि जो रहेगी वो अष्टम भाव पर रहेगी, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ससुराल पक्ष के साथ संबंध खराब होने की स्थिति बन सकती है। अब ससुराल पक्ष के साथ संबंध खराब होने की इससे पहले जब तक गुरु का प्रभाव है, मतलब ये जो स्थिति बनेगी वो 1 मई 2024 के बाद बनती हुई दिखाई देगी पूरे वर्ष, उस समय आपको ध्यान रखना है कि ससुराल पक्ष के साथ थोड़ा असंतोष की स्थिति, वहां पर दुख का भाव, दिक्कतें आ सकती हैं या पैतृक कोई चीज है उनसे संबंधित भी ये स्थितियां आपके लिए 1 मई 2024 से पूरे वर्ष हो सकती है। इससे पहले स्थिति ठीक रहेगी क्योंकि गुरु की ज्ञान की दृष्टि यहाँ पर पांचवी दृष्टि जब पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर, ये गुप्त विद्या का ज्ञान देने वाले रहेंगे आपको, आपको ज्योतिष विद्या सिखा सकता है, तंत्र मंत्र से संबंधित ज्ञान आपको मिल सकता है क्योंकि गुरु और शनि दोनों का गोचर रहेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है और साथ ही आपके लिए इस समय फायदेमंद सिद्ध रहेगा, ससुराल पक्ष के साथ भी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी दूर रहेगी इस समय तक, लेकिन इसके बाद फिर से दुख का भाव आपके लिए ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ा रहेगा, तो वहां पर 1 मई 2024 के बाद से संबंधों को ध्यान में आपको रखकर चलना पड़ेगा। अब देखिए शनिदेव की वही दशम दृष्टि कर्म दृष्टि आपके एकादश भाव पर, आय के भाव पर, विशेषतः आप धन को संचित कर रहे हैं, आपका ध्यान है कि एक बड़ा धन बड़ा अमाउंट आप सेव कर लें संचित कर लें, वही कर्म दृष्टि जब पड़ रही है आपके आय भाव पर, तो आप सोच रहे हैं आय की विशेष वृद्धि हो, आपका विशेष कर्म जो जारी रहेगा वो इनकम को बहुत ज्यादा ग्रो करने में, ज्यादा बढ़ाने में, इस तरीके की स्थिति के अंतर्गत आप ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए वहीं गुरु का प्रभाव जिसे हमने बताया, पांचवी दृष्टि बता ही दी आपको क्योंकि गुरु यहाँ पर 12th लॉर्ड भी बनते हैं और 3rd लॉर्ड भी बनते हैं जो कि 4th से 12th है, तो घर पर भूमि भवन वाहन पर माता पर खर्च होना वहीं पांचवी दृष्टि बताई चुके हैं। सीधी दृष्टि जो रहेगी वो दशम भाव पर रहेगी, तो आप देखेंगे कि जनवरी से लेकर मतलब स्टार्टिंग से 1 मई 2024 तक की स्थिति ऐसी है कि आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भी सुकून शांति आनंद की स्थिति, और अगर यहाँ पर पद प्राप्ति के भी योग आपके बनते हैं दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, प्रसिद्धि भी मिलती हुई दिखाई देगी आपको कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, तो वहां पर भी स्थिति काफी बेहतर आपको शुरुआती महीनों में देखने को मिल जाएगी। वहीं गुरु की नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर, जो कि फौरन से विदेश से भाग्य वगैरह आपको दिला सकती है, वहां पर से आपको लाभ धार्मिक कार्य पर खर्चा आपका करा सकती है और धर्म कर्म के कार्य में रुचि बढ़ाकर वहां पर आपका लाभ वगैरह करा सकते हैं, फॉरन इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, फॉरन इन्वेस्टमेंट से आपको भाग्य फायदा लाभ आपको दिलवा सकती है, तो ये सारी स्थितियां आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद गुरु का गोचर आपके पंचम भाव के अंतर्गत होगा, तो ये तो स्थिति आपको पता लग गई कि स्थान परिवर्तन करना है, प्रॉपर्टी बेचने करने का, खरीदने का, घर पे खर्चा करने का, ये सारा संबंध आपको देखने को मिल गया। अब इसके बाद देखो कि जैसे ही गुरु वृषभ राशि में पंचम भाव में, जो कि चार्ट में तृतीयेश भी हैं और आपके द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, ये पंचम भाव में आ गए, ये कहीं ना कहीं आपको गुरु का स्थान हानि भी करते हैं, बारहवें घर के स्वामी लोस के स्वामी बनकर पंचम भाव में, तो कहीं ना कहीं संतान से संबंधित चिंताएं बढ़ा सकते हैं आपकी, तो संतान संतान के ऊपर आपका खर्चा करा सकते हैं, तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको इस समय के अंतर्गत मिल सकती है। और जिन व्यक्तियों की दशा वगैरह मतलब कुंडली में योग भी है और दशा भी है, तो उनको कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन जिनकी संतान है उनकी संतान पर खर्चा किसी न किसी कारण से होने की संभावना बनेगी, या फिर आप अपनी पढ़ाई पर भी एजुकेशन पर भी आप इन्वेस्ट करते हुए खर्च करते हुए दिखाई देंगे, ये भी संभावना, और लव रिलेशनशिप पर भी आपका खर्चा आपका नुकसान मतलब लॉसेस कह सकते हैं थोड़ा इस तरीके के कि ज्यादा खर्च हो गया, इस तरीके की संभावना भी यहाँ पर देखने को आपको 1 मई 2024 के बाद से देखने को मिलेगी। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आप शेयर मार्केट वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ पर भी आपकी देखने को, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है इस समय के अंतर्गत, अन्यथा नुकसान होने की संभावना बढ़ सकती है।
अब देखिए वहीं गुरु की जो दृष्टि रहेगी, पांचवी दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी। नवम भाव में केतु के कारण थोड़ा स्टार्टिंग के आपके महीनों में, जैसे बताया कि जब तक गुरु का गोचर वृषभ में नहीं होता, मतलब 1 मई 24 तक वहां पर पिता से थोड़ा असंतोष की भाव रहेंगे, थोड़ा भाग्य का में भी ऐसे ही रहेगा, और अगर आप उच्च शिक्षा कर रहे हैं वहां पर थोड़ी परेशानी। लेकिन जैसे 1 मई 24 का पूरे वर्ष अच्छी स्थिति है कि गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से विशेषतः भाग्य का साथ भाग्य की वृद्धि हो सकती है, पिता और गुरु से संबंधित भी आपको ज्ञान और लाभ, आपको फायदा वहां पर देखने को आपको मिल जाएगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके आय भाव पर विशेषतः आय की वृद्धि, लाभ की वृद्धि, प्रमोशन कराने वाली है आपको, मतलब अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं तो वहां पर आपका प्रमोशन हो सकता है। इससे पहले कहीं ना कहीं पदोन्नति और प्रसिद्धि मिलने की संभावना थी, और इसके बाद 1 मई 24 के बाद से पूरे वर्ष यहाँ पर प्रमोशन और लाभ आपका होने की प्रबल संभावना यहाँ पर देखने को मिलती है। शेयर मार्केट वगैरह में ध्यान रखना है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ आगे बढ़ना है, तभी आपको वहां पर फायदा आपको होगा, अन्यथा वहां पर नुकसान होने की संभावना बढ़ सकती है। वहीं गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि आपके लगन पर रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में, आपके सामाजिक दृष्टि से आपके मान सम्मान में वृद्धि करने वाली रहेगी, और आपके ऊपर गुरु कृपा रहेगी। यहाँ पर स्थिति ऐसी रहेगी कि कितनी भी विपत्ति स्थिति है वहां पर आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट किसी ना किसी व्यक्ति का मिलता हुआ दिखाई देगा, या किसी तरीके की शक्ति आपके साथ रहेगी जो कहीं ना कहीं आपको किसी कितनी भी दिक्कतें आए वहां से आपको बचा कर ले आएगी, ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं अभी अगर हम राहु का गोचर देखें तो राहु का गोचर तृतीय भाव में रहेगा, जो कहीं ना कहीं आपकी अब रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा रहा है, आपकी यहाँ पर ऊर्जा उत्साह को बढ़ा रहा है, आप कहीं ना कहीं किसी तरीके का रिस्क लेकर आप अपने आप को आगे बढ़ाएं, इस तरीके के प्रभाव। लेकिन ये राहु कहीं ना कहीं मीन राशि के अंतर्गत आपके छोटे भाई बहन हैं, आस पड़ोस के व्यक्ति, उसके कारण इमोशनल टर्बुलेंस आपके लाइफ में आएगा, जिसकी थोड़े से दिक्कतें आपको इसे लेकर संबंधित हो सकती है। और वहीं राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, ये कहीं ना कहीं जिनकी दशा है, जिनकी कुंडली में राहु बलवान है वहां पर, और अगर किसी भी तरीके से लगन राशि से गुरु शनि का गोचर आपको सप्तम से संबंधित मिल गया, सप्तमेश की दशा मिल गई, तो ये यहाँ पे राहु का कारण यहाँ पर विवाह भी होने के प्रबल बन जाएंगे। और यहाँ पर लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज लाइफ में थोड़ा अप्स एंड डाउन राहु के प्रभाव में अवश्य देखने को मिल जाएंगे, व्यापार के अंतर्गत भी अप्स एंड डाउन राहु के कारण देखने को मिल जाएंगे। वहीं राहु की नवी दृष्टि रहेगी आपके लाभ भाव पर, विशेषतः ये लाभ भाव पर जब राहु की दृष्टि रहेगी तो ये जब गुरु का प्रभाव आ जाएगा तब इसका इतना दिक्कत नहीं आएगी, जो कि आपके इच्छा पूर्ति के रहेगा। तो ये जो इच्छा पूर्ति का समय रहेगा वो 1 मई 24 के बाद से जैसे ही गुरु का गोचर रहेगा, लाभ भाव इच्छा पूर्ति के भाव को देखेंगे, तो राहु का जो प्रभाव आपकी इच्छा पूर्ति को लेकर आपका बड़ा इमोशनल टर्बुलेंस आपके लाइफ में आ रहा है, तो वो सब चीजें या मित्रों को लेकर, चाचा को लेकर, बड़े भाई बहनों को लेकर आपके लाइफ में थोड़ा भावनात्मक दृष्टि से अप्स एंड डाउन जो देखने को मिलेंगे, वो सब चीजें 1 मई 24 का से गुरु की दृष्टि से आपके दूर होती हुई दिखाई देगी, ये स्थिति देखने को आपको मिलेगी। तो यहाँ पर अब देखिए उपाय आपको क्या करने चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है, और खासकर जिनकी राहु की दशा है उनको अवश्य कर लेना है, और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेगा, दुर्गा अष्टकम का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी है, शनिवार गरीबों को भोजन कराना है, तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करनी है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, और गौ माता को आपको जैसी की लगाकर रोटी उस पर गुड़ रखकर आपको खिलाते रहना है। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।